15 साल के किशोर ने पुलिस को इतना ज़्यादा चकाया, पहले किडनैपिंग और फिर अपने ही दोस्त का मर्डर। नमस्कार, मैं हूँ नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। और आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो है 10 और 15 साल के दो दोस्तों की, जिनका नाम था राजा और किशोर। राजा की उम्र 10 साल थी और किशोर की उम्र 15 साल। ये वाक्य है 2021 का। मध्य प्रदेश के एक जिले के रहने वाले राजा और किशोर आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ साथ घर था, सुबह से शाम साथ में रहना, साथ में खेलना कूदना। लेकिन किशोर को जो है राजा की बहन से प्यार हो जाता है। वो छुपके छुपाते जब भी मौका मिलता वो राजा की बहन से मिला करता था। उस समय किशोर की उम्र महज 15 साल थी। एक दिन जब किशोर और राजा की बहन आपस में मिल रहे थे, राजा उन्हें एक साथ देख लेता है, पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज़ तुम किसी को बताना मत, हम आगे नहीं मिलेंगे। राजा की बहन बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि भाई घर पर किसी को मत बताना, हम आगे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बात राजा ने मान तो ली, घर पर उसने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन इसी के चलते वह पैसों की डिमांड किशोर से करने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और अपनी बहन के इस चीज़ के बारे में, तुम्हारे रिलेशन के बारे में घर पर किसी को ना बताऊं, तो तुम मुझे इतने पैसे दो। डिमांड शुरू हुई लगभग 100 रुपये से। एक दिन 100 रुपये मांगे। किशोर थोड़े अच्छे परिवार से था, वहीं राजा की अगर बात करें वो थोड़े गरीब परिवार से था। किशोर जैसे तैसे करके कभी अपनी माँ के पर्स से तो कभी अपने पिता के पर्स से पैसे चुरा कर उसे दे देता था। उसके लिए वह इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कभी 100 रुपये राजा को देने, कभी 500 रुपये राजा को देने, कभी 1000 रुपये राजा को देने। ये सिलसिला यूं ही जारी था। लेकिन किशोर और राजा की बहन अभी भी उसी तरीके से मिल रहे थे, उनका प्रेम संबंध अभी तक इसी तरीके से चल रहा था। धीरे 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 कर कर राजा की लालच बढ़ने लगती है। हालांकि राजा से छुपते छुपाते वो डर कर मिल तो रहे थे, राजा को ये लगने लगा कि नहीं, अब वो नहीं मिल रहे हैं। एक दिन राजा जो है अपने बेस्ट फ्रेंड से, यानी कि किशोर से, जिसकी उम्र 15 साल थी, उससे जो है एक मोबाइल की डिमांड कर लेता है, क्योंकि किशोर के पास मोबाइल था और राजा के पास मोबाइल उस समय नहीं था। किशोर से जब मोबाइल की डिमांड की जाती है, मोबाइल की कीमत, जिस मोबाइल की डिमांड की गई थी, लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये थी। किशोर सोच में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं 15 से 20 हज़ार रुपये का ये मोबाइल लाऊं कहाँ से। 500 हज़ार रुपये तक तो ठीक था, मम्मी के पर्स से चुरा के दे दिए, पापा के पर्स से चुरा के दे दिए, लेकिन अब ये हज़ारों में बात आ गई है तो मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं। किशोर इस ब्लैकमेलिंग से अंदर ही अंदर घुटने लगा था, उसे अब दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर वो माँ बाप के पर्स से पैसे चुराता तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदेशा होने लगा था कि आखिरकार पैसे गए तो गए कहाँ। इसके बाद किशोर कहता है राजा को कि चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। उसे एक नहर के पास लेकर जाता है और उसके सिर पर, उसे पहले एक कश्ती में बिठाता है, एक नाव में बिठाता है और उसके सिर पर डंडा मारता है, और उसके बाद वो वहीं पर उसे छोड़कर कश्ती में आ जाता है और कश्ती को थोड़ी दूर भेज देता है। ऐसे में अब राजा 2 दिन हो चुके थे घर नहीं आया था, घर वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, रो रो कर सबकी हालत बुरी हुई हुई थी। पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया राजा के लापता होने का। पुलिस जो है पूरी कोशिशें कर रही थी, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। गांव वालों की माने तो उन्होंने आखिरी बार राजा को किशोर के साथ ही देखा था। तो किशोर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि किशोर की उम्र महज 15 साल थी, तो ज़्यादा पुलिस ने भी दबाव नहीं दिया और नॉर्मली बच्चे से पूछताछ की कि राजा आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था, वो मिल नहीं रहा है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। तो किशोर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो मुझसे मिला था, लेकिन उसके बाद कहाँ चला गया मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। पुलिस किशोर को छोड़ देती है। उसके कुछ दिन बाद दोबारा से जब गांव वालों द्वारा हल्ला किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, पूरा गांव इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करता है कि 6 दिन हो चुके हैं लेकिन किशोर का
राजा का, माफ कीजिएगा, कोई भी अता पता नहीं है। घर वालों की हालत रो रो कर बुरी हुई थी। दोबारा से पुलिस जो है पूरा उनका बैकग्राउंड फैमिली का खंगालती है कि कहीं राजा की किडनैपिंग तो नहीं होगी, क्योंकि राजा एक बड़े ही गरीब परिवार से था, तो किडनैपिंग वाला कोई एंगल पुलिस को उसमें नज़र नहीं आ रहा था। किडनैपिंग वाला कोई एंगल नज़र ना आने के बाद दोबारा से एक बार किशोर से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई राजा को किडनैप कर सकता है। तो वो 15 साल का बच्चा पुलिस के सामने एक कहानी बनाता है उन्हें गुमराह करने के लिए कि कुछ दिन पहले मुझे भी कोई उठा कर ले गया था एक बस में, यहाँ पर मुझे छोड़ा गया था, वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल अपने आप को छुड़वा कर जान बचा कर घर वापस लौटा था, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं ताकि कोई परेशान ना हो। एक मिनट के लिए पुलिस उस बात को जो है सीरियसली ले लेती है और उसी एंगल से खंगालने की कोशिश करती है कि जिस व्यक्ति ने किशोर के साथ ऐसा किया, उसको किडनैप किया, कहीं उन्होंने ही तो राजा का अपहरण नहीं कर लिया। जब इस एंगल को खंगाला जाता है तो सच निकल कर सामने आता है कि किशोर के पास एक मोबाइल फ़ोन था और जो लोकेशंस उसने बताई कि मुझे किडनैप कर बस में यहाँ यहाँ ले जाया गया था, वो लोकेशन वहाँ की नहीं थी, बल्कि जो डेट्स उसने बताई, जो लोकेशन उसने बताई, उन तारीख को, उन डेट्स को वो अपने घर पर ही मौजूद था, क्योंकि उसके फ़ोन की लोकेशन उसके घर की थी, जिससे ये साफ साफ पता चल गया कि किस तरीके से किशोर जो है ये किडनैपिंग वाला जो किस्सा है ये पुलिस को गुमराह करने के लिए बुला रहा है। पुलिस अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा दंग थी कि आखिरकार एक 15 साल का बच्चा 6 दिनों से लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने हर खेत में, हर जगह आसपास में, शहर में, पूरे हर जगह जो है ढूंढ रहे थे राजा को, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में किशोर पर और दबाव डाला जाता है जब उसका झूठ निकल कर सामने आता है कि उसकी तो किडनैपिंग हुई ही नहीं थी। किशोर के साथ जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि किस तरीके से राजा जो है लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। किशोर से जब पुलिस की मार सहन नहीं हुई तो उसके बाद उसने बताया कि राजा जो है लगातार, क्योंकि उसको राजा को उसकी बहन और किशोर के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था, वो मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारकर एक कश्ती में बिठाकर और उसे बहा दिया है। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक जिले की, जिसकी वजह से ना केवल पुलिस, पूरा गांव तक जो है दंग रह गया कि महज एक 15 साल का बच्चा आखिरकार इतने बड़े जुर्म को कैसे अंजाम दे सकता है। किशोर पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा निर्भया कांड, जिसमें एक नाबालिग ने ही जो है सबसे ज़्यादा दुष्कर्म किए थे। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगर वो 18 से कम उम्र के हैं, अगर वो नाबालिग हैं, तो उन्हें जेल भेजना कितना सही है या कितना गलत है? इस बात को लेकर भी काफ़ी दिन सोशल मीडिया पर चर्चा रही इस खबर को लेकर कि आखिरकार किशोर को जुवेनाइल जेल भेजा जाए या फिर जो उसने संगीन अपराध किया है उसे नॉर्मल जेल भेजा जाए, क्योंकि उसकी उम्र तो बच्चों वाली थी लेकिन उसके कारनामे बड़ों से भी बढ़कर थे। और ऐसे में उसके बाद 302 उस पर लगी, उसके बाद लाश को छुपाने की कोशिश की जो धारा है वो उस पर लगी और उसे जेल भेज दिया गया। ये कहानी थी 2021 की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है मध्य प्रदेश के एक ज़िले की, जिसने पुलिस को ही नहीं बल्कि गांव वालों को, हर किसी को जो है कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चे अगर सही संगत में ना हों या फिर किस लेवल तक जा सकते हैं अगर पेरेंट्स रेगुलर बैठकर उनकी काउंसलिंग ना करें, अपने बच्चों से बात ना करें कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जब बाद में किशोर से पूछा गया कि तुमने कैसे तुमने ये सब किया, कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया, तो किशोर का ये कहना था कि मैं साउथ मूवीज़ देखता था, ये आइडिया जो है मुझे उसी मूवी से आया कि मुझे ऐसे ऐसे कर राजा को ख़त्म करना है। तो ये थी एक सच्ची घटना दोस्तों की, जिसने ना केवल दोस्ती पर कलंक लगाया बल्कि पूरे पुलिस को भी छका दिया और पूरे के पूरे गांव को भी काफ़ी दिनों तक परेशान किया। 8 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार किशोर को जेल भेज दिया गया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर जाकर हमारे पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से होगी राहुल के साथ, मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा।